अरे वाह, तो एक किक में स्टार्ट हो गया। आगे कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? प्लीज़ धोखा मत देना अर्जुन। मेरी जान, मेरी जिगरी मन, मेरे पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ है तू। वैसे तो मैंने अर्जुन को एकदम फिट एंड फाइन रखा है। आई होप अर्जुन मुझे आगे धोखा ना दे, और वैसे भी नहीं देगा। अब तक नहीं दिया है तो आगे भी नहीं देगा। क्या ही बोलूँ मैं तेरे लिए, जितना भी बोलूँ सब कम है। जो भी है सारा काम करा लिया है, अब एक छोटा सा काम है, फटाफट वो करके आ जाते। हेलो माई यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे दोपहर के 3:07 और मैं निकल चुका अर्जुन का पूरा एक बार चेकअप कराने के लिए। वैसे तो अर्जुन का सर्विसिंग भी हो चुका था, सर्विसिंग होके अराउंड 800 किलोमीटर होने वाला है। और भी थोड़े बहुत काम कराए थे अर्जुन के, तो बाकी तो कुछ काम कराना नहीं है। बट 3-4 दिन से गाड़ी मेरी ऐसे ही घर के नीचे रुकी हुई है, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। गया भी हूँ तो नॉर्मल सा मार्केट गया, वो भी 5 मिनट के लिए, तो शायद से हवा कम हो गया होगा। वैसे तो हवा भराने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो धूप है, गाड़ी चलाते चलाते टायर भी गर्म होते हैं। रोड पे धूप के कारण और टायर गर्म होने के कारण अपने आप हवा भी भर जाता है। बट सीन ऐसा है कि निकलने से पहले एक बार सब कुछ चेक कराना है, तो टायर ही बचा है, टायर चेक करा देते हैं, और एक जो है वो थोड़ा सा ब्रेक टाइट करा लेंगे। तो आप सबसे पहले चलते हैं, टायर में हवा भराते हैं। वैसे तो मैं नाइट्रोजन भराता हूँ, और नाइट्रोजन ही बेस्ट होता है ट्यूबलेस टायर के लिए, तो जाकर नाइट्रोजन ही रिफ़िल कराना है, क्योंकि मैंने अभी जब रिसेंटली टायर चेंज किया था दोनों में नाइट्रोजन ही भरा था। बाय द वे इतनी धूप है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकला, पूरा खानदा कॉलोनी इतना सुमसम और खाली लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कोई फॉरेन वाले स्ट्रीट में आया हो। बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, लोग दिख रहे ही नहीं थे रोड पर। और अभी देखिए ट्रैफिक यहाँ पर बहुत हो गया है, और सिग्नल भी बहुत बड़ा था तो मुझे साइड में रोकना पड़ा। बाय द वे सिग्नल खुल गया है, चलो चले। वैसे तो मैं अपने दोस्त के शॉप पे जाने का सोच रहा था, बट दोस्त का शॉप थोड़ा दूर है। मैंने सोचा क्यों ना यही पेट्रोल पंप पे जाते, यहाँ पर ही काम करा देते। ये वाले पेट्रोल पंप पे हवा है नाइट्रोजन, तो यहीं पे भरा लेंगे। दोस्त के पास जाता तो वो तो फ्री में करा के दे देता था, क्योंकि नाइट्रोजन का सिर्फ 10 रुपीज लगता है, और वो दोस्त है तो लेता ही नहीं है। बट उसका दुकान कैसे थोड़ा दूर है ना, मैं अगर वहाँ पर जाता हूँ तो मेरा पेट्रोल ज़्यादा चले जाएगा, तो मुझे ही लॉस है। इट्स बेटर कि यहीं पर जाओ, यहीं से नाइट्रोजन भरा के फिर गैरेज में जाके ये ब्रेक टाइट कराएंगे। तो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है पेट्रोल पम्प। बहुत बड़ा पेट्रोल पम्प है एक्चुअली। यहाँ पर ना बाजू बाजू में 3-3 पेट्रोल पम्प है, ये रहा इंडियन ऑयल, और आगे और दो है, आगे तो दोनों बाजू बाजू में ही है। तो ये एक रहा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, जो कि पहले नॉर्मली था पूरा ओपन, अभी अभी बनाना शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो पूरा शेड डाल रहे। मेरे राइट साइड में HP है, और ये वाला भारत है। तो मैं मोस्टली 90% यहीं पर भराता हूँ पेट्रोल, मतलब आसपास यहाँ कहीं जाना हो, और ये अपने कॉलोनी के पास है, इसलिए अगर राइड पे जाता हो तो राइड पे जो भी हाईवे पे दिख जाता है वहाँ पर मैं भरा देता हूँ। बाय द वे इतना भीड़, ओ शिट। चलो भाई मैं तो इजीली निकल गया, वैसे मुझे यहाँ पर नहीं आना है, मुझे सिर्फ हवा भरना है। तो हवा भरने का एरिया यहाँ पर है भाई, नाइट्रोजन भरा दो। भाई भी बेचारा थक गया धूप में रह रह के, कितना पसीना आ गया उसको। नाइट्रोजन भरना है, वाह क्या एटीट्यूड में, नो रिस्पॉन्स। पहले चेक करो कितना कम है मुझे बताओ, और बाकी का रहेगा वो भर दो। रिफिल करना है, रिफिल का कितना होगा? 10। अरे यार मीटर ही मशीन ही ऑन नहीं किया, देखिए ये 0 पे है, अभी टाइम लगेगा। अरे ये फटक से उठ तो गया, बट इसको भरने में टाइम लगेगा। भरने से पहले सेंटर स्टैंड में लगा देता हूँ, ताकि अच्छे से भरे, ज़्यादा लोड ना आए गाड़ी का। आगे कितना है मुझे बताना। हाँ पहले 30 है, मतलब बराबर है, निकला नहीं आवा, रहने दो। ये चेक करने का भी पैसा लेते हो क्या? नहीं ना, करने का ही पैसा लगता है, भरने का नहीं लगता है। भरने का तो ये 2 पॉइंट ही कम होता है, ज़्यादा नहीं। इसमें नाइट्रोजन हवा जल्दी कम होता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी उसका आगे का पैसा नहीं लगेगा ना। 10 रुपये कैसे आप रिफिल का करते हो? रिफिल किया ही नहीं आपने, आपने तो सिर्फ चेक किया है। चेक करने का ही पैसा लगता है। आप मेरे बात समझ रहे हो क्या? हवा कम होता ही नहीं, नाइट्रोजन हवा जो होता है ना, हाँ, टायर के अंदर से कम होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 पॉइंट कम होता है। देखो जरा इसका कितना है, इसमें भी 30 है। 30 है तो बराबर है,
कितना हुआ, कितना दूँ? ठीक है, आराम से लगा क्या? ये लो। हाँ भाई साहब, क्या खतरनाक गर्म हो गया सीट। सिर्फ 2 मिनट लगे मुझे हवा भरने के लिए और सीट 2 मिनट में गर्म भी हो गया, एकदम खतरनाक। क्या चटके लग रहे भाई। बाय द वे, वो भाई जो काम कर रहे थे, हवा भर रहे थे, उनके बेचारे के सर पे लग गया। और ये वो पहले भाई नहीं है, ऐसा 3-4 जनों के साथ हुआ है। अभी बीच में जब मेरा पंक्चर हुआ था ना आधे रास्ते में, तभी भी उस टाइम वो पंक्चर वाले भैया जब हवा भर रहे थे, उन्हें भी ऐसे ही लग गया था। और अभी ये भी हवा भर रहे थे, इन्हें भी लगा। तो ऐसा ना सबको लगते जा रहा है, पीछे कैरियर है ना, तो किसी को याद ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं रहता कैरियर का। वो लोग हवा भर के डायरेक्ट उड़ जाते तो उनको लग जाता है। तो सेम वैसे ही ये वाले भाई को भी लग गया था। बाय द वे, हवा तो बिल्कुल भी नहीं गया था, पीछे वाला भी सही था, आगे वाला भी सही था, फिर भी 10 रुपये लिया। एक्चुअली जब रिफ़िल करते हैं तो जब हवा भरते हैं तब वो लोग पैसा लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। बट आई थिंक सो आई वॉज टू नाइस टू हिम, मैं नॉर्मल सिंपल जैसा बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने बोला पैसा लगेगा, तो मैंने 10 रुपीज़ दे दिया था। बट यूजुअली ऐसा कोई देता नहीं है, नॉर्मल हवा भरने में तो देते ही नहीं है। बट जो नाइट्रोजन वाला होता है उसमें देना पड़ता है। बट अगर रिफ़िल करोगे तो नॉर्मल ऐसे चेक करने का तो नहीं लगता है। बट जो भी है, दे दिया मैंने 10 रुपीज़, उन्होंने 10 मांगा तो मैंने 10 दे दिया। अब चलते हैं ये ब्रेक का ठीक करवाते। अब वैसे तो ब्रेक लग रहा है बट फिर भी थोड़ा सा और अर्जेंट बना देंगे तो राइडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ा तो ईजिली मार सकते हैं। मम्मी मेरा रेन पैंट किधर है? रेनकोट होता है ना जैसे, वैसे पैंट पैंट नीचे से वो मुझे निकाल के देना। किधर है क्या मालूम, कौन सा पैंट है, रेनकोट जो उस दिन रखा था कि तो रेनकोट का ही पैंट, मतलब जैसे रेनकोट होता ना वैसे बारिश का पैंट। क्या पता किधर है, मेरे को नहीं मालूम। ढूंढते फिर निकालते, किधर ढूंढेगा, मेरे को लगेगा अभी पैंट। गार्डन जा रहा हूं। वाह, मम्मी को गार्डन जाने की पड़ी है, मम्मी को मस्त राउंड मारना है। तो गार्डन से आने के बाद बाद में और मम्मी गार्डन जाती है ना तो रिटर्न आने का नाम ही नहीं लेती है। परसों भी मम्मी गई थी, पापा बोलते हैं अरे पूरा गार्डन हिला दिया, मम्मी आ रही ही नहीं है। तो जैसे पापा ने बोला उसके जस्ट 2 मिनट बाद मम्मी आई थी। मम्मी को लगता है आज का राउंड मारना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा राउंड मारती है मम्मी। मम्मी भी सोच रही है मेरे जैसे कि पतला होना है, मम्मी को भी ऐसा लग रहा है कि मम्मी मोटी हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी बर्थडे पार्टी में जो कि पूजा की फ्रेंड का है। मुझे बहुत पहले इनवाइट किया हुआ था और कल भी मुझे पूजा ने एक रिमाइंडर दिया, बट फिर भी मैं पूजा के कॉल के लिए वेट कर रहा था क्योंकि पूजा सोनाली सब लोग ऑफिस गए। तो मैंने सोचा जब वो लोग वहाँ से निकलेंगे तब मैं निकलूँगा, बट इन्होंने मुझे बहुत लेट कॉल किया। ये लोग ऑलरेडी नीतू के घर पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद मुझे कॉल किया। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे पहले नीतू के घर पे बुलाया था और बोला था कि बाद में हम लोग होटल जाएंगे डायरेक्ट डिनर करने बर्थडे पार्टी का। बट अभी बीच राइड में मुझे वापस कॉल करके बोला कि तू डायरेक्ट मिर्ची होटल में आ जा, हम लोग वहीं पे मिलेंगे। तो अभी नीतू के घर पर नहीं जाना है, डायरेक्ट मिर्ची होटल जाना है, शायद से वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पे बर्थडे पार्टी का डिनर होगा। आपने तो देखा होगा हम लोग बार बार एक ही होटल में जाते हैं, मिर्ची होटल, क्योंकि वो प्योर वेज है। बाकी के कोई कोई लोग प्योर वेज है तो उनको जमता नहीं है, तो हम लोग मोस्टली वही होटल बुक करते हैं। और वो कैसे है ना, घर के नज़दीक में ही है तो हमारा मोस्टली वही रहता है, आपको वही दिखेगा। बाय द वे, आई डोंट नो, ऑलरेडी केक काट दिया है नीतू के घर पे, क्या वहाँ पर जाके काटने वाले, वो सब तो अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। सब लोग वहाँ पे पहुँच गए, सिर्फ मैं ही नहीं पहुँचा हूँ, मैं ही शायद से लेट हूँ। लेट्स सी, नीतू पूजा सोनाली ये सब लोग तो पहुँच चुके हैं, अब पता नहीं और कौन कौन आने वाले हैं। जिसका बर्थडे है उसके फ्रेंड्स लोग भी आएंगे, ये पूजा के फ्रेंड्स लोग ये तो और भी बहुत लोग आएंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। मोस्टली पूजा के सभी फ्रेंड को मैं जानता हूँ और वो लोग भी मुझे जानते हैं, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं ऑल बिकॉज ऑफ पूजा। तो पूजा के वजह से मुझे भी जाने मिल जाता है बर्थडे पार्टी में और उसी के साथ बर्थडे पार्टी भी एकदम मस्त सेलिब्रेट हो जाता है। भाई इधर कितना ट्रैफिक है, चलो चलो। अरे यार बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। ओह शिट, अभी मेरी इतनी गंदी वाली फटी ना,
जो सीमेंट वाला ट्रक होता है पता है आपको, जो जो ट्रक ऐसा गोल गोल घूमता है ऊपर, जिसमें आई मीन सीमेंट होता है और वो बार बार गोल गोल घूमता है, वही ट्रक के बाजू से मैं गया, उसमें से हल्का सा पानी कुछ तो उड़ा मेरे पे, तो मैं डर गया, मुझे लगा कहीं कुछ मिट्टी कुछ गंदगी तो नहीं उड़ी, एक तो बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा हो और ये सब उड़ेगा फिर पूरा ड्रेस भी खराब हो जाएगा सब कुछ, बट नहीं वो पानी था, आई होप सो पानी रहा होगा, अभी तो फिलहाल ज़्यादा दिख रहा नहीं है, बट महसूस करके ऐसा देखकर हल्का सा देखकर मैं बता सकता हूँ कि शायद से पानी था। अभी ये लोग मिर्ची होटल में कहाँ पर बैठे हैं वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि मिर्ची होटल का ना दो अलग अलग शॉप है, आप शॉप बोल सकते हो, तो कैसा है जो फ्रंट साइड में है वो मोस्टली खुला रहता है एंड मोस्टली वही शॉप पे सभी को पहले एंट्री देते, अगर वहाँ पर फुल हो जाएगा या तो कोई बड़ी फैमिली होगी बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो लोग पीछे साइड को बैठाते, हम लोग तो यूजुअली हमेशा पीछे ही जाते, बट डिपेंड करता है, अगर आगे पूरा ही खाली होगा तो मे बी वो लोग आगे भी बैठा सकते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, मतलब मेरे राइट साइड में ये देखिए मिर्ची, मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पर होंगे, पीछे साइड को ही होंगे, लेट्स सी जाकर पता चलेगा। मिर्ची 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 नहीं यहाँ पर नहीं है, मुझे तो नहीं दिखे, आई थिंक सो पीछे ही है और पीछे ही होंगे। हम सब लोग तो आगे सिर्फ बर्थडे गर्ल ही नहीं आई है, तो बर्थडे गर्ल का वेट कर रहे हैं, बाकी के हम इतने ही जने। रेगुलर मेनू आ चुका है, सबसे पहले हमने मसाला पापड़ मंगाया, मैंने मसाला पापड़ ने मैंने मशरूम टिक्का ड्राई मंगाया तो वो मैं खाऊंगा और बाकी के लोग ये खा रहे, तीन प्लेट मंगाया टोटल। तो हम सभी के स्टार्टर्स आ चुके हैं, ये लोगों ने वेज क्रिस्पी मंगाया और मैंने अपने लिए पनीर साते और मशरूम टिक्का ड्राई मंगाया था, पनीर साते है बट इसमें लकड़ी नहीं है, लकड़ी को ही साते बोलते हैं, ये नॉर्मल पनीर दिया है, इसके साथ लकड़ी नहीं है जिसमें प्रॉपरली पनीर डाल के आता है, आई मीन आप समझ रहे होगे, जैसे कि ये लकड़ी है इसमें प्रॉपरली तीन चार पनीर डाल के उसे बोलते हैं पनीर साते। हमारा पूरा स्टार्टर खत्म हो गया, फाइनली बर्थडे गर्ल इज हियर, कितना लेट है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 1 2 3 स्टार्ट। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Samantha, happy birthday to you. अरे कैसे खाएगी फिर ये, मुँह ही खुल रहा नहीं उसका, खिलाओ कि नहीं, अरे मैं खा लेता, मैं खिलाने जा रहा हूँ उतनी वापिस वापिस, अभी तो खिलाना ही पड़ेगा। फाइनली सभी का खाना आ चुका है, सबसे पहले तो मेरा आया था बट मैं सबके लिए रुका हुआ था, तो सब एक एक करके बताएंगे कि किसने खुद के लिए क्या क्या लिया। रोटी भाजी दाल चावल। और ये छोटी ने सेम रोटी भाजी दाल चावल। और बर्थडे गर्ल सेजवान चटनी ली है, पनीर रोटी दाल भात है। और मैंने अपने लिए पनीर पराठा मंगाया था, साथ में एक छोटा सा चना मसाला लिया, आई मीन चना और पनीर दोनों मिक्स, मटर पनीर रोटी दाल चावल। अच्छा उधर तक सेम है, तो ये ऑलमोस्ट ये पार्टी पूरा सेम ही है।